हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ताहा अली ऑल इंडिया कनेक्शन से और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे व्हाट्सएप से ऐप्स और गेम्स के एपीके सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम व्हाट्सएप से किसी ऐप या गेम का एपीके सेंड करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक ऐप क्लोनर का एपीके है। अगर मैं इसको अब शेयर करता हूँ तो ये देखिए इसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, इसको रीनेम करके डॉट एपीके की जगह डॉट txt कर दीजिए। तो अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो चुका है। अगर अब आप शेयर करते हैं तो इसमें देखिए व्हाट्सएप का ऑप्शन आ चुका है। फिर अब आप इसको शेयर कर दीजिए। फिर आपने जिसको भी ये एपीके सेंड किया है उनसे आप कह दीजिए कि उसको वापस .txt की जगह .apk कर दे, ताकि वो वापस एपीके फॉर्मेट में हो जाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये जो ऐप सेंड करा था वो दूसरे डिवाइस पे आ चुका है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये आ चुका है। बस ये मुझे डाउनलोड करना है, तो ये लीजिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ 2 मिनट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ES फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे भी आपने व्हाट्सएप की स्टोरेज सेव कर रखी है। वहाँ पे देखिए, अगर मैं ये व्हाट्सएप में गया, ये व्हाट्सएप में ये मीडिया, ये डॉक्यूमेंट और ये देखिए ये ऐप क्लोनर इधर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको वापस रीनेम करके txt की जगह वापस .apk कर देना है। ये देखिए वापस .apk मैंने कर दिया है। तो देखिए वापस apk बन गया। दोस्तों, इसी तरह आप कोई से भी ऐप को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप से। गेम हो या फिर ऐप हो, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं।